दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बीजेपी क्या अभी भी राहुल गांधी को पप्पू ही समझती है, या फिर राहुल गांधी बीजेपी के अंदर बौखलाहट पैदा करने वाले नेता बन गए हैं? क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री, यहां तक कि राहुल गांधी के भाषणों के बाद अपने अपने हिसाब से जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम सेंगोल की बात करेंगे, और दरअसल इस देश में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं ना, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मोदी जी का वो वीडियो दिखा देता हूं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, देखिए आप भी, और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे सेंगोल पर, फिर राहुल गांधी पर। गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जाता है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा, तो ले जा रहा था। वगैरह यार रोक के उसको, हमने गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे? नहीं, बोले खेत जा रहा हूं। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास दो पशु हैं उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है, तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए, हमारे देश का किसान। तो दोस्तों, देखा आपने, अब सोचिए अगर यही स्टेटमेंट राहुल गांधी देते तो क्या होता। बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के कई सारे नेता इस वीडियो को इधर उधर फैलाते हुए ये कहते, देखिए हम तो कहते हैं ना कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं है, राहुल गांधी बच्चों जैसी बातें करते हैं, कहते ना यही। अब मोदी जी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या बीजेपी वाले कहेंगे? कभी नहीं। खैर, अब हम बात कर लेते हैं राजदंड यानी कि सेंगोल की कहानी जो बेपर्दा होती हुई दिखाई दे रही है उसकी। तो आप जानते हैं कि सेंगोल को लेकर हालिया सरकारी घोषणा में कहा गया था कि सेंगोल को माउंटबेटन ने नेहरू को सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक के तौर पर दिलवाया था, लेकिन इन दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सवालों को जवाब बीजेपी देने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती है जो दरअसल देना चाहिए, क्योंकि देश के प्रतिष्ठित पत्रकार और द हिंदू के पुराने चेयरमैन एन राम ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 29 अगस्त 1947 के द हिंदू का वो संस्करण लोगों के सामने रख दिया है, जिसमें इस सेंगोल को नेहरू को सौंपते समय की फोटो सहित खबर प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, यानी कि कहा जाता था ना कि ये अंग्रेजों से जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद सेंगोल दिया गया था नेहरू जी को, और नेहरू जी ने इसको कहीं ना कहीं रखवा दिया था, और ये तो जो है आज़ादी का प्रतीक है, बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन इस पूरी खबर में कहीं भी माउंटबेटन वाली कहानी का कोई जिक्र नहीं था। जो द हिंदू में खबर छपी थी उस समय उसकी बात कर रहे हैं, ना ही माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी का कोई बयान उस समय छपा था। एन राम के अनुसार कुल मिलाकर सेंगोल नए बने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु के एक धार्मिक मठ की तरफ से दी गई एक सामान्य भेंट से ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उसे आनंद भवन के संग्रहालय में रखवा दिया गया था। इसके साथ ही तथ्यों से यह भी साबित होता है कि मठ ने अपना प्रचार करने के लिए द हिंदू के उसी संस्करण में
फोटो सहित एक विज्ञापन देकर इसको प्रकाशित करवाया था। उसी फोटो को टाइम मैगजीन ने उठा लिया और एक लेख में उसे लगाकर नेहरू की काफ़ी आलोचना भी की थी। कहा गया था कि नेहरू जी तो वैज्ञानिक सोच के आदमी हैं, फिर ये धर्म कर्मकांड इनमें कहाँ उलझे पड़े। बहुत सारा लंबा चौड़ा उसमें कहीं ना कहीं बखान किया गया था नेहरू जी को लेकर। तो एन राम ने बिल्कुल पोल खोल के रख दिए सेंगोल की, क्योंकि सेंगोल को लेकर कई सारे की कहानी गढ़ी गई, कई सारी कहानियां बताई गई, नेहरू जी को कोसा गया, बहुत सारी बातें। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी होता वो दिखाई दे रहा है। ये द हिंदू वालों ने किया है और द हिंदू वालों ने वो पुराने जो खबरें छपी थी उस समय की फोटो शायद वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो, दिख जाएंगे आपको, उसमें पूरा नज़ारा सामने आ जाएगा क्या मामला उस वक्त था। चलिए, ये तो सेंगोल की कहानी हो गई। और वैसे भी नए संसद भवन में क्या रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा ये इतने मायने नहीं रखा जाता है। हम तो ये मानते हैं कि वहाँ पर देश की पब्लिक के लिए आवाज़ उठे, रियल मुद्दों पर बात हो, वहाँ कह सकते हैं कि बेरोजगारी पर बात हो, वहाँ एजुकेशन पर बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं पर बात हो, इस देश के लिए नई नई रणनीतियाँ बने, ये ज़रूरी हैं, यकीनन ये ज़रूरी है। आपको क्या लगता है क्या ज़रूरी है? चलिए अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले स्मृति ईरानी मैडम की, क्योंकि आप सभी को पता है राहुल गांधी पर अक्सर तीखा हमला बोला करती है, और क्यों बोलती है ये भी आप सभी को पता है। वैसे राहुल गांधी, मैंने कहा ना, बीजेपी के अनुसार ज़्यादा परिपक्व नेता नहीं है, और मोदी जी के सामने तो राहुल गांधी जी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता राहुल गांधी को सीरियसली ले लेते हैं। क्यों लेते हो जब कुछ भी नहीं है? खैर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल में स्मृति ईरानी ने कहा कि जब आप मोहब्बत की बात करते हैं, यानी कि जो राहुल गांधी आजकल मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं ना, उसको लेकर कहा है, तो कहा गया है कि जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें सिक्कों का कतलाम, जी हाँ, सिक्कों के कतलाम की बात की गई, वो भी शामिल है? ये स्मृति ईरानी ने कहा, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता है। चलिए आगे वो कहती हैं कि जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या इसमें राजस्थान में महिलाओं का अपहरण भी शामिल है? जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या इसमें हिंदू जीवन शैली की निंदा करना शामिल है? जी हाँ। जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब उन लोगों के साथ साझेदारी करना है जो भारत के लिए अड़चने खड़ी करना चाहते हैं? जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या वो मोहब्बत आपको अपने ही लोकतंत्र के खिलाफ बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की मांग करने के लिए मजबूर करती है? ये कैसा इश्क है जो अपने ही देश से नहीं बल्कि अपनी सियासत से है? ये स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं तीखा हमला बोला है। मैं चाहता तो इनका जवाब देता, आसानी से दे सकता था, लेकिन आप लोग किस लिए हैं आप बताइएगा अपने अपने हिसाब से। और फिर मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी की वजह से बीजेपी में बेशक बौखलाहट पैदा हुई है, राहुल गांधी जो भी स्टेटमेंट देते हैं, राहुल गांधी बाहर जाकर बोले, देश में बोले, देश में कुछ करे, बीजेपी के नेता यहां तक कि केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ जाते हैं और राहुल गांधी को लपेटा जाता है। एक और मामला है, ये है हमारे विदेश मंत्री साहब का, इन्होंने भी राहुल गांधी पर कुछ बोला है। क्या कहा है वो सुन लीजिए। एक सवाल के जवाब में जयशंकर साहब ने कहा कि राहुल गांधी को विदेश में भारत की आलोचना करने की आदत है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाना राष्ट्रीय हित में होगा। आगे उन्होंने कहा कि उनकी, राहुल गांधी की आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है कभी दूसरी पार्टी। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा परिवर्तन तो नहीं आना चाहिए। हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा तो वही होगा। जी हाँ, इस तरह से कहीं ना कहीं बातें की है हमारे विदेश मंत्री साहब ने। अब दरअसल राहुल गांधी विदेश में जाकर जो बातें बोलते हैं या देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं तो वो अपनी तरफ से बहुत कम बोलते हुए दिखाई देते हैं। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, लोकतंत्र को लेकर पूछा जाता है, महंगाई को लेकर पूछा जाता है, तो वो बेशक जवाब देते हैं, और जवाब देना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, भाषण देने बुलाया है, तो सवाल जवाब तो होंगे ही, सवाल जवाब से आइडिया उधर
इधर उधर शेयर होते हैं, इसी से कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ता भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ से ही मन की बात किए चले जाओ, किसी को कुछ पूछना भी है तो वो पूछ नहीं पाता है। तो राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कुछ भी तो उसको लेकर बीजेपी इतना सीरियस होती है, तो ये लगता है कि बीजेपी की नज़र में राहुल गांधी अब बड़े नेता और परिपक्व नेता बन चुके हैं। अगर वो उनकी नज़र में पप्पू ही होते, अपरिपक्व होते हैं, या कह सकते हैं कि बीजेपी को कोई दिक्कत ही अगर उनसे नहीं होती तो इस तरह से केंद्रीय स्तर के नेता या विदेश मंत्री साहब जैसे लोग कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में तो हमने देखा है कि हमारे देश के गृहमंत्री साहब तक टी शर्ट की बात करते हैं उनकी। चलिए, ये देश की राजनीति है और राजनीति से भला तभी होगा जब इस देश की जनता के बारे में ये नेता नगरी लोग सोचेंगे। अगर 24 में कांग्रेस आई और वो भी इसी तरह की घोलमोल वाली बातें करती रही, बीजेपी की छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही और देश के मुद्दों को साइड में खिसका दिया, तो साहब ये जनता ज़्यादा समय तक आपको सर पर बैठा कर नहीं रखती। 2013-14 में जो आपका हाल हुआ था वो हो सकता है। इसलिए इस देश की रणनीतियां ऐसी तय होना चाहिए जिससे आम आदमी को लाभ पहुंचे, जो आम आदमी कष्ट भुगत रहा है उसको रिलीफ महसूस हो। नहीं तो सत्ताएं तो आती है जाती है, नेताओं के घर भराते हैं और कुछ नहीं होता है, बातें होती है देश को बदलने की और बदलता कुछ भी नहीं। हम देखते आ रहे हैं ये कई सालों से। पर कैपिटा इनकम इस देश की उठाकर देख लीजिए, चीन और हम एक साथ चल रहे थे एक समय में, आज चीन को देख लीजिए और हमें देख लीजिए, आज बांग्लादेश के बराबर हम आते जा रहे हैं। बांग्लादेश सोचिए क्या, किस हैसियत से हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो ये तमाम बातें हैं, कहने को हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं लेकिन आम आदमी का क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल के। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में उतार चढ़ाव काफी देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत $72 से $75 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। 31 मई की अगर हम बात करें तो $75 के आसपास देखी गई थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73.31 प्रति बैरल दर्ज की गई थी। वहीं WTI क्रूड $69.18 प्रति बैरल है। हालांकि इसके बाद भी देश के अधिकांश इलाकों में तेल की कीमतों में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। तो फिर ये इतना सारा जो धन सरकार के पास आता है तेल के रूप में, टैक्स के रूप में, इससे राहत तो देश की जनता को मिलना चाहिए थे। अगर कच्चा तेल कम होता है, तकरीबन ऐसा बताया जाता है 30 से 35% घटा है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, तो पेट्रोल डीजल के दाम फिर सभी जगह कम होने चाहिए थे, और होते भी तो कितने हैं, 20 पैसे 28 पैसे 30 पैसे 40 पैसे, यह कम होते हैं। क्यों, बढ़े कितने हैं? अगर बढ़ने की बात की जाए तो होश ढीले हो जाएंगे हम सबके। कितने पेट्रोल के 70, 72, 13, 14 के बीच में हमने देखे और अब 108 तक। ओहो, आपको लगता है किसी भी सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे? मुझे नहीं लगता है। कोई सी भी सरकार आ जाए, कांग्रेस आ जाए या कांग्रेस के बाद और कोई सी भी आ जाए, बीजेपी ही रहें, क्योंकि तेल का खेल बड़ा निराला है साहब। आपको क्या लगता है, सब सरकार को धन चाहिए, सरकार चलानी है, खुद के खर्चे उठाने हैं, VIP सुविधाएं चाहिए, किसके पैसे से, ये आप तय कीजिएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारी टिकटॉक लग दो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।